हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन। सो दोस्तों, आज मैं चिकन बना रही हूँ। देखिए, यहाँ पर प्याज, हरी चिल्ली, खड़ा मसाला, गरम मसाला रखी हूँ डालने के लिए, और तेज़पत्ता है, और पेस्ट बना के रखी हूँ टमाटर का, लहसुन का, अदरक का। अब मैं तेल में डाल देती हूँ खड़ा मसाला को, थोड़ा सा हल्का आँच में पकाऊँगी इसको, फ्राई होने देती हूँ। उसके बाद में प्याज को डालूंगी। अब हो गया है, वो फ्राई हो गया, तो मैं प्याज डालती हूँ। इसको अच्छे से भूनूंगी ब्राउन होने तक। तेज़पत्ता डालने ही भूल गई थी, इसको शुरू में डालना चाहिए था। देखिए ब्राउन हो गया, अब चिकन डालती हूँ इसमें। अब मैं इसको फुल आंच पकाऊंगी, चिकन को फ्राई करूंगी तेल के साथ कम से कम 5 मिनट। इसको मैं पकाऊंगी फुल आंच में पानी सूखने तक। उसके बाद नमक डालती हूँ, पानी सूखने के बाद नमक डाल दी हूँ। नमक डाल दी हूँ, अच्छे से मिलाती हूँ। फिर हल्दी पाउडर, फिर धनिया पाउडर डालती हूँ, फिर चिकन मसाला डाल देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिलाती हूँ, चिकन को अच्छे से मिलाकर इसको थोड़ी देर भूनूंगी, अच्छे से पकाऊंगी चिकन को मसाला के साथ। फिर इसमें पेस्ट डाल देती हूँ, पेस्ट डाल दी। अब इसको मिलाकर अच्छे से पकाऊंगी 5 मिनट जैसा, कम आँच में इसको पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट के बाद मेरा चिकन का मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, फिर इसको और भूनूंगी अच्छे से, चिकन के साथ पकाऊंगी मसाला के साथ। देखिए फुल आँच में पका रही हूँ 5 मिनट, मसाला को भून रही हूँ अच्छे से, फ्राई होने तक अच्छे से इसको भून रही हूँ चिकन के साथ। मेरा चिकन पक रहा है। अच्छे से मिलाई, अब मैं इसको अच्छे से भूनते रहूँगी कम आँच में। देखिए सूख गया पानी। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी आधा घंटा। देखिए मेरा चिकन बनकर तैयार है। अब हम चावल के साथ खाएंगे चिकन ग्रेवी। आप भी खाने के लिए आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।